मैं मेरा जो चाचा है पंजन रिटी जो, उनका आत्मा शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और सब परिवार जनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत ही दुखद समय में उनको भगवान शक्ति दे। एक नेचुरली डेथ है, कोई खराब करके कोई एक्सीडेंट में नहीं मरा है, एक नेचुरली डेथ है। उसका आत्मा शांति के लिए है, हम लोग उसको अच्छा से विदाई देना चाहिए। नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आरंभभूमि समाचार में स्वागत करते हैं। दर्शक, मैं आज आप सभी को एक दुखद समाचार सुनाने जा रहा हूँ। लेट पंजन रिजिजू जो कि रिटायर्ड ओशी थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहा है, उनका देहांत हो गया है। मैं आपको बता दूं कि लेट पंजन रिजिजू जो है वो नाकू गांग के है, यानी कि रिजिजू क्लान से है। आज वो जो है हमारे बीच नहीं रहा है। आज उनका ये जो अंतिम संस्कार के लिए यानी कि फ्यूनरल सर्विस के लिए आज काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँचा हुआ है। लेट पंजन रिजिजू जो है एक रिटायर्ड ओशी थे, उन्होंने सरकार कर्मचारी करके प्रदेश को काफ़ी सारा सेवा किया है। एक ओशी होकर उन्होंने काफ़ी सेवा किया है। उनका रिटायर्ड होने के बाद में वो जो है नाकू गांव में यानी कि अपना गांव में आकर यहाँ गांवरा के रूप में वो जो है गांव को सेवा दे रहा था। तो आज वो महान व्यक्ति यानी कि पंजन रिजिजू जो है वो हमारे बीच नहीं रहा है। आप सभी को पता है कि प्रदेश पूरे देश भर में एक महामारी फैले थे जिसे कोविड-19 के नाम से हम जाना जाता है। कोविड-19 के समय में भी हमारे लेट पंजन रिजिजू जो है काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना जो भूमिका अपना ड्यूटी निभाया है, जिसके चलते उनको सरकार की तरफ से उनको पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। तो आज वो महान व्यक्ति जो है हमारे बीच में नहीं रहा है। लेट पंजन रिजिजू जाने से असाजुंग समाज जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हमारा अंकल जो पिताजी का भाई है, यहाँ गांव में गांव बुरा के हिसाब से काम कर रहा था, तो उसका बहुत अनटाइमली कल एक्सपायर हुआ। तो हम लोग सब यहाँ उनका समाधि में आज फ्यूनरल के लिए सब जमा हुआ है। ये पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे कई साल तक। रिटायर होने के बाद यहाँ गांव में उसको गांव बुरा बनाया था, क्योंकि बोल चाल में बहुत अच्छा था और गांव वाला के साथ तालमेल करके काफ़ी पॉपुलर था। पंजन रिजिजू उनका नाम है। और हमारे यहाँ समाज में वैसे भी इस तरह का टैलेंटेड आदमी बहुत कम है, इसलिए इनके गुजर जाने से गांव को भी बहुत नुकसान हुआ है। फैमिली सिर्फ गांव का ही नहीं बल्कि हमारा समाज के लिए बहुत ये एक दुखद हमारे लिए घटना है। और जब वो पुलिस सर्विस में करते थे तो भी बहुत सिंसियरली अपने ड्यूटी को बहुत दिल लगा करके ड्यूटी करता था, और पुलिस से रिटायरमेंट होने के बाद भी सामाजिक काम में हमेशा लगता था और गाना वाना गाना, सोशल काम में सबका साथ मिल बांट करके काम करना, बहुत अच्छा स्वभाव इंसान था। तो इसलिए सब दुखी है, हम लोग सब प्रार्थना करता है उसका आत्मा शांति के लिए। गांव के जितने भी आसपास के लोग और जो वेल विशर्स रिलेटिव्स दूर दूर से सब लोग यहाँ आए हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो अच्छा आदमी पॉपुलर समाज में जो काम करने वाला है, उससे यंगर जनरेशन्स को इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए। अपने जीवन काल में समाज के लिए कितना काम किया है, उस हिसाब से एक इंस्पिरेशन एक मिसाल है। मैं बाकी जितना हमारा यूथ है सबको भी कहता हूँ कि ऐसा ज़िंदगी जो है जब तक जिएगा सबसे तालमेल करके खुशी खुशी मिलकर जीना चाहिए। इंसान सबको एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन जब तक रहेगा अच्छा से काम करके तालमेल करके जीना चाहिए। मैं मेरा जो चाचा है पंजन रिजिजू, उनका आत्मा शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और सब परिवार जनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत ही दुखद समय में उनको भगवान शक्ति दे और फिर परिवार को संभालने का सबको ताकत मिले। और जितने लोग यहाँ आए हैं सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग हमारे गांव नाकू नाचिबन के अलावा, नफरा एरिया के अलावा कई रिलेटिव्स लोग आप यहाँ पे आकर के सम्मिलित हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और उन भूमिका चैनल के माध्यम से सबको कंडोलेंस भेजना चाहता हूँ। थैंक यू अरुण भूमि। तो आज हम यहाँ रिजिजू फैमिली का एक दामाद होने का नाते मैं आज यहाँ आया है। तो हमारा अतो पेंजंग बहुत ही दिलदर एक अच्छा इंसान में माना जाता था।
एक पुलिस ऑफिसर, एक ईमानदार एक पुलिस ऑफिसर हुआ के कर रहा था। तो इसके बाद उसका इंटरनली कैसे बीमार हुआ है हम सबको पता नहीं चला है। तो हम भी दिल्ली में था, तो दिल्ली से कल ही आके आज सुबह यहाँ ये प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आया है हमारा फैमिली के साथ में। तो बहुत ये बड़ा दुख की बात है, और स्पेशल आपका रिजिजू फैमिली को मैं बहुत करीब से देखा है कि ये एक दो साल का अंदर में तो काफ़ी लोग गुजर गया है। तो स्पेशली सभी को हमारा नफारा और साजोलन समाज को मैं मैसेज यही कन्वे करना चाहता हूँ कि अल्कोहल को अवॉइड कीजिए है, कि अल्कोहल की वजह से प्रॉपर फिजिकली मेंटेन नहीं करके कि बहुत लोग साधन ये डेड हो रहा है, जो वो बहुत हमारा सोसाइटी समाज का बहुत मतलब बड़ा एक लॉस है कि हमारा तो पिंजंग बहुत एक होनेस एक लॉयल एक वो इंसान था। तो वो एक पुलिस ऑफिसर से रिटायर होने के बाद में तो उसको गांव वाला समाज लोग पूरा सोसाइटी जो लोग उसको चॉइस किया है चुना है कि हेड गांवबुरा में उसको गांवबुरा में चुना है, और वो अवार्ड भी मिला था कि वो बहुत अच्छा एक ऑफिसर एक अच्छा एक गांवबुरा था कि हम सब के लिए है, एक हमारा समाज के लिए है, निजी समाज के लिए है, हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सर आप फैमिली वालों को क्या कहना चाहेंगे? सर फैमिली वाला को हम यही कहेगा कि ये देखिए है ये छोटा सा जिंदगी है और सबको जाना है कि स्ट्रॉन्ग एक उसको रहना चाहिए है कि ये एक नेचुरली डेड है, कोई खराब करके कोई एक्सीडेंट में नहीं मरा है, एक नेचुरली डेड है। एक हमारा ये रिजिजू फैमिली स्पेशली मेरा ये आयो लोग को आतो लोग को ये पीसफुली जो उसका आत्मा शांति के लिए है हम लोग उसको अच्छा से विदाई देना चाहिए।